हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं स्टफ्ड इडली। तो लाइक मैंने इस इडली को बहुत बार ट्राई करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स में, इडली वाले मोल्ड में भी, बट इस बार मैंने इसको कटोरी में बनाया है, जैसे जो हलवा कटोरी हम जो बोलते हैं उसमें मैंने बनाया है, और इसका एकदम परफेक्ट टिक्की वाला शेप आया। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप सूजी है। अब हम लोगों को बस सिंपल सूजी वाली इडली बनानी होगी, तो इसके लिए मेरे पास सूजी है और 1/2 कप कर्ड ले लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और कोरिएंडर लीव ऑप्शनल आप डाल भी सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ग्रीन लेके ला ली थी। और अब आप वाटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैं इसका थिक बैटर हमको बना लेना है, तो मैं थोड़ा सा और पानी अभी इसमें डालूंगी। बस 5 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लीजिएगा इस बैटर को, और उसके बाद ये बैटर रेडी है। और इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे 3 बॉइल्ड पोटैटोज है, तो मिनी पोटैटोज थे, तो अगर हम मीडियम साइज़ लेंगे तो ये 3 बॉइल्ड मीडियम साइज पोटैटो हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून पेपर का डाल देंगे क्रश्ड करके, और 1/2 टीस्पून हम मिक्सड हर्ब का डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई से भी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं स्टफिंग बनाने के लिए, और या तो आप उसको गैस पे भून के आलू को वैसे भी आप स्टफिंग बना सकते हैं। तो मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, और सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब ग्रीन चिली, आप ग्रीन चिली पेस्ट डाल सकते हैं या रेड चिली का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरीके से हम लोग चला लेंगे, तो ये मेरी आलू की स्टफिंग रेडी है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 हलवा कटोरीज हैं, तो एक मैं आपको टिप बताती हूँ, अगर आप जो कटोरी थोड़ी सी हैवी बॉटम होती है, तो उसमें अगर आप बनाएंगे तो वो टिक्की वाली शेप नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, तो ट्राई करिएगा कि आप इसमें बनाएं ऐसी वाली प्लेट पे। और अब हम लोग एक टिक्की जैसा शेप टिक्की का ले लेंगे आलू की स्टफिंग से, और फिर अब इसमें बैटर में लास्ट में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिससे इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहे। अब 2 टेबल स्पून हम बैटर डाल देंगे कटोरी में, और उसके बाद आलू की स्टफिंग डाल के उस बैटर 2 टेबल स्पून बैटर ऊपर से भी हम डाल देंगे, और स्टीम करना होगा हमें इसे 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में, 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में। जस्ट वेट एंड वॉच, और ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अब इसको मैं एक ट्विस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें घी में इसको रोस्ट करूँगी, तो इसको मुझे लाइट ब्राउन करना है, तो उससे एकदम ही क्रिस्पी हो जाती है, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फिर आप इसको सांभर से भी खा सकते हैं सिंपल, पर अगर आपके पास सांभर नहीं है तो आप इसको ऐसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। ये रेसिपी मुझे कहीं से मिली थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, एक बार आप ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका भी कैसा है। एंजॉय।